ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। साइबर ठग फर्जी कॉल और सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग ने सावधानी बरतने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने जारी यह एडवाइजरी सभी नागरिकों से अपील किया है कि वे ऑनलाइन निवेश या किसी भी प्रकार की वित्तीय लेन देन करते समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। नमस्कार, आज मैं आप सबको साइबर फ्रॉड के एक तरीके, जिसको कि स्टॉक मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग साइबर फ्रॉड कहा जाता है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इसमें क्या होता है कि आपको किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे एक ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा जाता है, जिससे जिसपे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट की नई नई टिप्स दी जाती हैं। उस टिप्स के माध्यम से आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो आपको एक ऐसी डम्मी साइट की तरफ लेके जाते हैं जिसमें कि एक्चुअल में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और सारे का सारा आपका पैसा किसी फ्रॉड अकाउंट में जाता है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके के ऐसे प्रलोभन जिसमें कि आपको जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई प्रेरित कर रहा हो या कोई ऐसी टिप्स देने के लिए कि स्टॉक मार्केट में आपका फ़ायदा हो रहा हो, उससे बचें। कभी भी आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो जो निर्धारित ब्रोकर हैं, जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं विद सेबी, उनके जहाँ NSE जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके पास जाकर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आपने जो डीमैट अकाउंट है उसको लगातार चेक करते रहें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसमें दिख रही है या नहीं दिख रही। तो जो फ्रॉडस्टर हैं उनसे बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें।